नागपूर विदर्भातील माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं सबसे पहले नागपुर की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी ये बहुत मन से प्रार्थना थी कि हिंदुहृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन केवल और केवल आपके हाथों से होना चाहिए। 20 साल पहले ये सपना देखा था, पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था। आपने ताकत दी, आपने हिम्मत दी, आपने हौसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी, तो ये समृद्धि महामार्ग हम लोग यहां पर कर पाए। बहुत कम लोगों को उस समय यकीन था कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझ पर यकीन रखकर इस पर काम कर रहा था और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो पहले दिन से रास्ते पर उतरकर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे। हमने सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे पार्टियों को एकत्रित किया, सारे पत्रकारों को, एडिटर्स को एकत्रित किया, उनके सामने हमने इस संकल्पना को रखा, उनके जितने सवाल थे सवालों का जवाब दिया और उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, उसके लिए काफी राशि चाहिए थी, कोई बैंक देने को तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार के कुछ बेटे ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, एमएमआरडीए है, एमआईडीसी है, सिडको है, तो हमने उनको कहा कि सारा पैसा बंबई में कमा के बंबई में मत लगाइए, अब ये पैसा विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र को भी लगाइए। हमने उनसे पैसा उधार लिया और सारी जमीन का अधिग्रहण किया। केवल मात्र 9 महीने में 700 किलोमीटर के जमीन का हमने अधिग्रहण किया, एक भी लिटिगेशन नहीं हुई। और मैं ये बताना मेरा फर्ज मानता हूं, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं जाकर वहां पर सिग्नेचर की, क्योंकि उस समय के उनके नेता गांव में जाकर विरोध करते थे। उन्होंने गांव में जाकर सभा ली और कहा एक इंच भी जमीन मत दीजिए, 15 दिन में उस गांव की एक एक इंच जमीन हमको लोगों ने दी और एकनाथ जी ने स्वयं जाकर वहां पर सिग्नेचर की और हमने पूरा समृद्धि महामार्ग का अधिग्रहण यहां पर किया। और साथ साथ एक नया मॉडल तैयार किया जिसमें हमने हमारी एमएसआरडीसी को 50,000 करोड़ के भूमिया, मुंबई के प्लॉट्स, ये हमने उनको दिए, उनका नेटवर्क बढ़ाया और लैंड सिक्योरिटाइजेशन मॉडल पे सबसे पहले पैसा जमा किया, सारी बैंकों को बुलाया। सबसे पहले एसबीआई ने 8,000 करोड़ रुपए हमको दिए और उसके बाद सारी बैंकों ने पैसे दिए, पैसे की कोई कमी नहीं पड़ी। आज 50,000 करोड़ रुपए का ये महामार्ग तैयार हुआ है और प्रधानमंत्री जी, आपने जो नया लैंड सिक्योरिटाइजेशन का मॉडल लाया है और मोनेटाइजेशन का मॉडल लाया है, मैं दावे से कहता हूं आने वाले 2 साल में इस महामार्ग से 50,000 करोड़ रुपया हमको मिलेगा जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाएंगे, इतना जबरदस्त ये मॉडल तैयार हुआ है। और एक चीज का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, आपने भारत को गति शक्ति नाम की एक ऐसी योजना दी है जो विश्व की सबसे अच्छी योजना है, सबसे थॉटफुल, सबसे कल्पना शक्ति की योजना है जो भारत के चित्र को बदलेगी। गति शक्ति का एक उदाहरण ये महामार्ग भी है, इस पर रोड बना है, इसमें हमारे पास रेलवे के लिए जगह हमने रखी हुई है, इस पर हम लोग सेमी हाई स्पीड कार्गो ट्रेन चलाना चाहते हैं, उसकी पूरी जगह हमने अधिग्रहित करके रखी है। इसमें
हमने मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार किया है। इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर में मैं भारत सरकार का और आपका आभार व्यक्त करूंगा। 2017 में हमने आपसे निवेदन किया कि इसके ऊपर गैस पाइपलाइन बने, आपने गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया, 80% गैस पाइपलाइन का काम हो गया। महाराष्ट्र के 20 जिलों में सीधा गैस सीएनजी उद्योगों के लिए और व्हीकल्स के लिए अब इस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा। साथ साथ हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन की भी मांग की है, वो भी पूरी होगी। इसके साथ साथ जो अंडरसी केबल है जिसके कारण डेटा सेंटर की इकोसिस्टम तैयार होती है, वो पूरा अंडरसी केबल हम इसके माध्यम से ला रहे हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हम लोग डेटा सेंटर्स तैयार कर पाएंगे। और साथ साथ ट्रांसमिशन की एचवीडीसी लाइन भी यहीं पर पड़ेगी, उसका भी कॉरिडोर हमने तैयार किया है। 150 मेगावाट बिजली जनरेशन की भी सोलर में व्यवस्था की है। तो कुल मिलाकर गति शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर हमने किया है। और अब आपने जो योजना दी है इससे उसको और हम और समृद्ध करेंगे। मैं इस निमित्त से आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में, क्योंकि आज आपने और गडकरी जी ने और नई सौगात हमको दी है, यहां पर हमारे रेलवे स्टेशन इतने सुंदर हो रहे हैं, अब रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड रेल भी होने वाली है, और उसके साथ साथ आपके ही आशीर्वाद से अगले एक महीने में नागपुर एयरपोर्ट के भी भूमि पूजन के लिए हम आपको बुलाने वाले हैं। तो सारी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहां पर होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज 14 जिले हमने जेएनपीटी पोर्ट से जोड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी गढ़चिरौली और गोंदिया को भी जोड़ने जा रहे हैं। तो पूरा महाराष्ट्र ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट का एक नया मॉडल इस महामार्ग के माध्यम से करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस समय कुछ लोगों का उल्लेख जानबूझकर करना चाहता हूं, विशेष रूप से इस महामार्ग को बनाते समय हमारे राधेश्याम मोपलवार होंगे, या हमारे मनोज सौनिक होंगे, हमारे प्रवीण परदेसी होंगे, हमारे गायकवाड़ होंगे, मैं जिनके नाम का उल्लेख नहीं कर पाया उनकी माफी मांगता हूं। पर इस टीम ने जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है और इनके कारण ये महामार्ग हो पाया है। और अब अगले पादान पर नागपुर से गोवा, इसी प्रकार का महामार्ग जो मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ को इंटीग्रेट करेगा, इसकी भी संकल्पना हमने तैयार की है। मैं आपका बहुत विशेष आभार, मेरा समय समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं इसलिए मानना चाहता हूं कि आपकी गति लोगों के ध्यान में आनी चाहिए। आज जो दो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मेट्रो फेस टू और नाग नदी का जो आज संवर्धन का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी पिछली सरकार में हमने ये दोनों प्रोजेक्ट भेजे थे, आपने फास्ट ट्रैक पर रखे थे। कुछ क्वेरीज आई थी, बीच में सरकार बदल गई, 2.5 साल में उन क्वेरीज का जवाब भी पिछली सरकार ने नहीं दिया। और जैसे ही सरकार बदली हमने क्वेरीज पूरी की। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके कार्यालय में गया और आपके कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने विनती की, हमने क्वेरीज पूरी की है, आपके कार्यालय ने मात्र 35 दिनों में ये सारे दोनों प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके कैबिनेट की मान्यता देकर आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। ये मोदी सरकार है, ये गति है और ये डबल इंजन सरकार है। अगर डबल इंजन सरकार नहीं बनती तो शायद अगले और कुछ सालों तक क्वेरीज भी सेटिस्फाई नहीं होती और ये कार्यक्रम भी नहीं होते। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपका प्यार नागपुर पर, विदर्भ पर ऐसा ही बना रहे। एम्स जैसी सौगात आपने हमको दी है, वंदे भारत ट्रेन आपने दी है, इन सब के लिए, इन सभी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया। और आप केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग माननीय श्री नितिन गडकरी जी से मैं गुजारिश करती हूं कि आज के इस बेहद खुशी के अवसर पर वे अपने विचार प्रकट करें। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी,
केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राव साहेब दानवे, डॉक्टर भारती पवार, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले देश के हृदय स्थान और भारत का टाइगर कैपिटल तथा ऑरेंज सिटी से